गोंदिया जिले में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मां दुर्गा के विसर्जन के लिए उतरे 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतक में 2 सगे भाई भी हैं। घटना शनिवार रात को हुई। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। इस घटना के बाद मृतकों के घर में मातम पसरा है। गोंदिया जिले के सावरी लोधी टोला गांव में दुर्गा विसर्जन का दिन 3 परिवारों के लिए हमेशा के लिए काला दिन बन गया। उत्सव की रौनक मातम में बदल गई, जब 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। मरने वालों में 21 साल के आशीष फागुलाल दमाहे, 19 साल के अंकेश फागुलाल दमाहे और 19 वर्ष के यश गंगाधर हीरापुरे शामिल है। दुर्गा विसर्जन के दिन शाम को माता को निरोप देना था। इसके लिए तीनों युवक अपने दोस्तों और परिजनों के साथ गाँव के ही तालाब में विसर्जन के लिए गए। रात के अंधेरे में जब तीनों तालाब में उतरे, वे अचानक पानी में चले गए और डूबने लगे। ग्रामीणों ने देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की जानकारी रात 1 बजे आपदा प्रबंधन दल को दी गई। इस बीच लंबे चले रेस्क्यू अभियान के बाद तीनों के शव बरामद किए गए। आशीष और अंकुश दोनों 2 सगे भाई थे, जबकि यश अपने परिवार का इकलौता था। इस हादसे ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे गाँव को सदमे में डाल दिया है। दमाहे परिवार ने अपने 2 बेटे खो दिए हैं और हीरापुरे परिवार का इकलौता सहारा उनसे छिन गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि तालाबों के पास सुरक्षा इंतजाम की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो।